रमजान का महीना मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से तोहफे के समान है। इस महीने में सच्चे दिल से आस्था करने वालों का पिछला सारा गुनाह अल्लाह पाक माफ कर देते हैं। यह महीना रहमतों बरकतों का है। जामा मस्जिद के इमाम हाजी अब्दुल समद से बातचीत में रमजान से जुड़ी कई हदीसें बताएं। उन्होंने कहा कि इस मुबारक महीने में हर घड़ी अल्लाह की रहमतें बरसा करती हैं। जो इस महीने में रोजा रखता है, नमाज अदा करता है तथा पवित्र ग्रंथ कुरान की तिलावत करता है, उसके बदले अल्लाह पाक उसे जन्नत का हकदार बनाते हैं। रमजान में पूरे दिन रोजा, नमाज के बाद रात में ऐसा कि नमाज के बाद पवित्र ग्रंथ कुरान की तिलावत मुकम्मल की जाती है। रमजान उल मुबारक का चांद देखने के बाद शुरू होती है और ईद के चांद देखने के बाद खत्म होती है। पवित्र ग्रंथ कुरान की तिलावत जामा मस्जिद गढ़वा शहर इराकी मोहल्ला, उचरी मस्जिद गढ़वा, छोटी मस्जिद मेन मार्केट गढ़वा, मदरसा रोड मस्जिद में मुकम्मल की जाएगी। इस मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाज़िल फरमाया है और कुरान मुसलमानों के लिए एक लाए अमल है, एक कानून की किताब है। मुसलमान कुरान की तिलावत करता है, नवाफिल पढ़ता है, रोज़े रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इबादतों को कबूल फरमा करके उसे जन्नत का हकदार बनाया करता है। रमज़ान मुबारक में जो बंदे मोमिन गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।